नमस्ते दोस्तों, मैं हूं चेतना शियाल और स्वागत है आपका मेरी मेडिसिन नॉलेज चैनल में। सब्सक्राइब करें अपनी मेडिसिन नॉलेज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं अपनी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेबलेट स्टुजेरॉन प्लस टेबलेट में कौन सा कंपोजिशन पाया जाता है, उसका उपयोग क्या है, यह टेबलेट का डोज क्या है और यह टेबलेट लेने के बाद में क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकती है और कौन सी कंडीशन में हमें लेने से पहले ध्यान रखना है यानी कि अवॉइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टुजेरॉन प्लस टेबलेट में चिनारिजिन एंड डायमेनहाइड्रिनेट नाम का कंपोजिशन पाया जाता है। स्टुजेरॉन प्लस टेबलेट का उपयोग हमारे शरीर में चक्कर आना जैसी प्रॉब्लम में यूज होती है। यह टेबलेट का डोज डॉक्टर के अनुसार पेशेंट की कंडीशन और एज देख के दिया जाता है। यह टेबलेट खाने के बाद में दिया जाता है और यह टेबलेट छोटे बच्चे को नहीं देना चाहिए और यह टेबलेट लेने के बाद में कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकती है जैसे कि ड्राउजीनेस, हेडेक होना, पेट दर्द होना, मुंह सूख जाना जैसी साइड इफेक्ट्स हो सकती है। और अगर आपको ड्राइविंग के टाइम पर यह टेबलेट लेना है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वैसे तो नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह टेबलेट लेने के बाद में नींद आना जैसी फीलिंग आ सकती है। और अल्कोहल के टाइम पर यह टेबलेट नहीं लेना चाहिए। अगर कोई स्तनपान करा रही मदर है, प्रेग्नेंट मदर है तो यह टेबलेट नहीं लेना है और अगर लेना है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लेना है। और यह वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। अगर आपको यह प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।